gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a deep. हम मसूरी से वापस आ गए सर, अभी हम रात का डिनर बना रहे हैं। डिनर में है हमारे प्याज की सब्जी और हमारी शेफ खाना बना रहे हैं। और हमारे पास है, अभी दिन में हमने खाई थी खिचड़ी क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कुछ बनाने की, ऑल इन वन खिचड़ी। और अब हम बना रहे हैं प्याज की सब्जी, बेहतरीन प्याज की सब्जी बनते हुए। बस प्याज के अलावा और कुछ नहीं है। हम पहुंच गए सिटी सेंटर पे, ये घंटाघर देहरादून का, और ये है बड़े लोग का छोटा भाई। हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे और हम जा रहे हैं लोकल मार्केट, कल्चर मार्केट, इसके लिए कपड़े लेने के लिए सामान लेने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए। आज का हमारा टारगेट, हम पूरा दिन शॉपिंग में व्यस्त हैं। गाड़ी आगे नहीं चल पा रही है, हमारे साथ साथ चल रही है। फेमस सॉफ्टी की दुकान ये भी है, बगल वाली भी है। अभी हम जब वापस आएंगे तब हम यहाँ खाएंगे। और अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, ये मार्केट एरिया। सो इस पूरी ट्रिप में ना एक दिन मैंने पूरा पल्टन मार्केट को डेडिकेट किया हुआ था। इसके बाद ही मुझे ना एक जगह जाना है तो मुझे उसके लिए कपड़े लेने थे, तो हम लोग मार्केट ही निकल लिए। अब 2-3 घंटे के बाद ये हमारी लास्ट शॉप थी, हम यहाँ पे जस्ट फिटिंग के लिए वेट कर रहे थे और फिर हम नेक्स्ट डे निकल गए ऋषिकेश के लिए। अभी हम लोग राफ्टिंग के लिए आए हुए हैं, तो एंट्री कर दी है, सब कुछ हो गया है, बस अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे राफ्टिंग के लिए। हमारी ये पीली वाली बोट है और हम लोग रेडी है जाने के लिए। हमने जूते बदल लिए हैं चप्पलों में क्योंकि हमारे पास और चप्पलें नहीं थी। अब हम जा रहे हैं गाड़ी के पास। तो सब कुछ चेंज करने के बाद और सामान दुकान पे रखने के बाद हम लोग निकल चुके थे हमारी डेस्टिनेशन के लिए। तो भैया हमें ना 10-15 किलोमीटर्स आगे लेके गए वहाँ से, जहाँ से हमें राफ्टिंग करनी थी। एंड राफ्टिंग का ना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एक 6 किलोमीटर की होती है जिसमें सिर्फ एक रैपिड पड़ता है, फिर एक 12 किलोमीटर्स की होती है जिसमें 3 रैपिड पड़ते हैं, फिर उससे ज़्यादा मतलब मैक्स 24 किलोमीटर की होती है। तो हमने करी थी 12 किलोमीटर्स वाली। पानी में इस समय बाहर नहीं आएगी, तभी तो टाइट कर रहे हो। तो यार मैं तो अपनी लाइफ के पहले बिग एडवेंचर के लिए रेडी हो चुकी थी। भैया ने हमें पूरा तैयार कर दिया था, लाइफ जैकेट, हेलमेट, सब कुछ। और हमें यहाँ से अब नीचे जाना था। मैं तो तुम्हें पकड़ के बैठूंगी, जो देख। ये दिख रही है नदी, हट भगवान। नहीं बस इतना ही, अरे वो उसका टोल कुछ कह रहा हूँ। अब हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें राफ्टिंग करनी है। और इसे देख के हमें बहुत डर लग रही है, लेकिन इसे तैरना आता है ना मुझे तैरना आता है, पर हम लोग जा रहे हैं, पर हम जा रहे हैं। क्या हो गया, रेत घुस रही? नहीं अरे वो कर देना टाइट कर, पीछे कर देती कि निकले ना पांव से। 24 किलोमीटर वाली वो इसी में आते हैं ना गाइड इनके साथ। अब यार पहले तो मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, पर उसके बाद मुझे डर लगने लगी क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता है। और अगर मैं आपको पर पर्सन प्राइस बताऊँ तो हमें ना 500 पड़ा था, बिकॉज हम लोग सीजन की स्टार्टिंग में आए थे एंड ये 800 तक भी चले जाता है पीक सीजन में। हम हमारी बोट आ गई है, इसने टाइम लगाया पर ये आ गई है। ये आ रही है हमारी बोट, ये गिरे ना भाई थी। उसके भाई बढ़िया है यार, मजे कर रहे हैं क्या, बढ़िया है, मस्त है ना यार। एक मस्त ये नहीं हो पाएगा, बट मस्त तो मेरी बढ़ रही है यार, बढ़ रही है, मजा है। बहुत बढ़िया चला ये एक साथ। अब लग रहा हवा लगी है, जल्दी कर रहा है फिर। आगे रे ना
ओके फॉरवर्ड गाइस कम ऑन चलाइए बॉडी का मूव करो आगे पीछे बॉडी को गो गो बहुत बढ़िया काम बहुत बढ़िया हाँ राम जी नाराज नहीं होना इधर देखिए पानी लाउडली बोलो गंगे मैया की फाइनली हमारी 12 किलोमीटर की राफ्टिंग खत्म हो चुकी थी पर यार उसके बाद इतना ठंडा लग गया ना मतलब शाम के 5 बज गए होंगे हमारी राफ्टिंग पूरी हो चुकी है Finally. हमने चेंज कर लिया है फाइनली हमने तैयार हो चुके अच्छे से घर जाने के लिए अब ये सब भीगे भीगे बालों के साथ अब हम घर जा रहे हैं सभी हम ये है अब यह ऋषिकेश में हम ज़्यादा नहीं घूम पाए बिकॉज हमारी सिर्फ एक ही दिन की ट्रिप थी एंड ज़्यादा हम कवर कर नहीं पाए उसमें बट हमारा मसूरी हो चुका था एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी राफ्टिंग हो चुकी थी और आज मतलब मेरा आखिरी दिन था और हम लोग शाम को बस घूमने के लिए आए थे लोकल तो अच्छा खूब चाहिए क्या ओह तनुजा अब लाफिंग खाने के बाद हम जा रहे हैं पुथा टेम्पल यह है बुद्ध टेम्पल अभी पीछे से दिख रहा है आगे से अभी हम सामने से दिखाएंगे घुंघराले मैगी से बाहर देखिए काफी लंबा है ओह धूप चमक रही है यहाँ तो ये देखो ये पूरा घुमाने ये उसके साथ साथ घूमेगी नेक्स्ट लोकेशन तो यार बुद्धा टेम्पल के जस्ट अपोजिट में पड़ती है आपकी माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री तो फिर हम वहां को चले गए माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री भी हमारी कवर हो चुकी थी एंड इसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए फिर हमने रास्ते में पनीर रोल पैक करा लिया था बिकॉज हमारा कुछ भी बनाने की हालत नहीं थी और नेक्स्ट डे मुझे सुबह 3:30 बजे वापस घर के लिए निकलना था सुबह के तो हम लोग फटाफट से सो गए एंड हमारी ट्रिप यहाँ पे एंड होती है तो चलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में